नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। शहर के सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में आयोजित मां ज्ञान महायज्ञ के दूसरे दिन मंगलवार को कई अनुष्ठान संपन्न हुए। यज्ञ का आरंभ सद्गुरु कबीर बीजक ग्रंथ के मंत्रोच्चार और हवन से हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यज्ञ की पवित्र सुगंध से वातावरण पवित्र हो गया। यज्ञ के मंत्रोच्चारण में उपस्थित श्रद्धालु जन मंत्रमुग्ध होकर भाविभोर हो गए। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान ने कहा कि श्री कबीर ज्ञान मंदिर में व्यवस्थित गुरु गोविंद धाम में भगवान विष्णु और सद्गुरु कबीर का विग्रह स्थापित है। सद्गुरु कबीर सनातन के पुरोधा हैं, वहीं भगवान नारायण पुरातन के। गुरु गोविंद धाम मंदिर से हम सब यह संदेश पाते हैं कि हमारा समाज सनातन और पुरातन का संगम है। हम सभी ऋषियों की संतान हैं। जात की विविधता मनुष्य के द्वारा बनाई गई है और यह कर्म के आधार पर है। विभिन्न जातियों में भी गोत्र एक पाया जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वज एक हैं। इस अवसर पर सद्गुरु मां ज्ञान की नवीनतम कृति हमारे श्री राम पुस्तक का विमोचन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एवं भाजपा प्रदेश सचिव रविंद्र राय के कर कमलों द्वारा किया गया। पुस्तक विमोचन के साक्षी के रूप में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भूतपूर्व झारखंड सरकार के मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक लक्ष्मण सरकार, नुनूलाल मरांडी, सुरेश साव, दिलीप वर्मा, समाजसेवी दिनेश यादव, समाजसेवी अर्जुन बैठा, नवीन सिन्हा, सदानंद राम तथा अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट।